करमवीर बोहरा पर कर्ज लिए हुए पैसे नहीं लौटाने के लिए जो इल्ज़ाम लगे हैं, अब इस पर करमवीर बोहरा का रिएक्शन सामने आ चुका है। आखिरकार करमवीर बोहरा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ सफाई दी है, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि करमवीर बोहरा कुछ ही दिनों पहले लॉकअप के कंटेस्टेंट रह चुके हैं और लॉकअप में ही उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में बहुत सारे कर्ज हैं और शायद उनकी पूरी ज़िंदगी ही निकल जाए कर्ज चुकाते चुकाते। अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए वो शायद कुछ कर ही नहीं पाए। वेल, लॉकअप से जैसे ही वो बाहर आए, फिलहाल एक मामला सामने आ रहा है जहाँ की मुंबई के ओशिवारा ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक 40 साल की महिला ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि करणवीर बोहरा ने उनसे 1.99 करोड़ रुपीज़ लिए थे, जिसके बाद उन्होंने 2.5% इंटरेस्ट के साथ उस पूरे पैसे को लौटाने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 1 करोड़ लौटाया है और बाकी के पैसे करणवीर नहीं लौटा रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी लंबे वक्त तक करणवीर बोहरा ने चुप्पी थामी रही और इन सभी मामलों पर एक शब्द तक नहीं बोला। फिलहाल करणवीर बोहरा ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही की है जिससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि करणवीर बोहरा पर ये जो इल्ज़ाम लगे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। जी हाँ, करणवीर बोहरा एक स्टेटस शेयर करते हैं जिसमें करणवीर बोहरा कहते नज़र आते हैं कि गुस्सा करने से कोई भी चीज़ें ठीक नहीं होती है, हमें सिचुएशन पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि सच कभी ना कभी सामने तो आ ही जाता है। पर करणवीर बोहरा के स्टेटस से ये साफ जाहिर हो रहा है कि करणवीर पर ये जो इल्ज़ाम लगे हैं वो साफ साफ तौर पर गलत हैं और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में करणवीर बोहरा इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला कर रख देंगे। आखिरकार क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।